हेलो 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 वेलकम क्लासेस मराठी है बच्चों साउंड भी आ जाएगा वेलकम एवरीवन दोबारा से वेलकम करता हूँ सभी बच्चों का सभी बच्चों का स्वागत है आज की इस इम्पॉर्टेंट सेशन में बच्चों तो चलिए वेलकम है सभी को कैसा फील हो रहा है बिल्कुल बताइए आज के इस बैकग्राउंड को देख के और उम्मीद है ऑब्वियस ही बात है चलिए 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 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों का आप सबने हमने मिलके मेहनत करी है कि हम लोग यहाँ तक आज पहुंचे हैं और क्लासेस को स्टार्ट करवा रहे हैं और उम्मीद भी बच्चों यही करते हैं देखिए हमने मैंने आपको परसों भी कहा था लाइव सेशन में कि उम्मीद यही करेंगे कि कुछ भी चीज़ हम टेक्नोलॉजी को ऐड कर रहे हैं वैसे तो मतलब हमारे लिए बहुत खुशी की बात है बाकी तो टेक्नोलॉजी कोई नहीं तो है नहीं लोग तो दो दो साल तीन तीन साल से यूज़ कर ही रहे हैं बट उम्मीद करेंगे इसका एफिशियंट यूज़ हम लोग करें अपनी अंडरस्टैंडिंग अपने विजुअलाइजेशन को लेकर टाइम सेविंग को लेकर बहुत टाइम वेस्ट होता था डायग्राम्स और इन चीज़ों में भी एमसीक्यू कराने में पीडीएफ वीडीएफ सेव करना सेशन बनाना बहुत सारी चीज़ें थी जिनमें टाइम जो है वो ख़राब होता था उन चीज़ों को थोड़ा इजी करेंगे है ना थोड़ा सा टाइम बचेगा तो और भी ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ें होंगी और हम भी क्रिएटिव दिमाग लगाएंगे अब वीडियोज़ बनाने और कंटेंट दिखाने और विजुलाइजेशन में उसके लिए भी हम लोगों ने एक स्टेप ऑलरेडी ले लिया है जो मैंने आपको पहले डिस्कस भी किया था अब जब हो जाएगा वो स्टेप पूरा तब तो आप लोगों से फिर डिस्कस करेंगे अभी थोड़ा सा बच्चों लाइटनिंग वगैरह का काम और बेटर होना है ठीक है ना अभी लाइटिंग हमने बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं कर पाए हैं जितना कर पाए हैं उसके हिसाब से आपकी क्लास जो है वो बस ढंग से आपको दिख जाए ठीक है तो शुरू में हो सकता है बच्चों ये फील आए आपको कि अरे यार पुराना वाला बोर्ड ज्यादा बेटर था बिकॉज व्हाइट बोर्ड इज व्हाइट बोर्ड यहाँ पे लाइटनिंग्स और शाइन इन चीजों के इशू ज्यादा होते हैं ठीक है ना बट अभी थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा दो तीन दिन में क्योंकि अभी तो मुझे भी ये लग रहा है कि पैसे खर्च करके आफत ले ली लीजिए बट ये है ना जैसे जैसे हम एडेप्टेबल होते जाएंगे इन चीजों के साथ और बेटर इसका यूज कर पाएंगे ऐसे ही आप लोगों को भी मुझे पता है कि धीरे धीरे होगा नहीं तो एक आधा कमेंट जरूर आ जाएगा कि सर इससे अच्छा तो व्हाइट बोर्ड था तो ऐसा कमेंट ना करिएगा सारे लगे लगाए पैसे जो है उसको धीरे धीरे यूटिलाइज कर पाएंगे तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारे कंसेप्ट को सेशन को और कोशिश करते हैं बेहतर तरीके से चीजें समझने की तो मैंने कहा आज जब स्टार्ट कर ही रहे हैं तो कुछ बेहतर कंसेप्ट के साथ स्टार्ट करें सो सो दैट एमसीक्यू फिर हम करते रहेंगे लेकिन आज एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में यहां पर डिस्कस करना चाह रहा हूं दैट इज कॉल्ड योर कार्बोरेशन कार्बोरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों जो हमारे लगभग सभी पेपरों में कहीं ना कहीं हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है तो उसी टॉपिक को हम लोग यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं सो लेट्स स्टार्ट विद कार्बोरेशन तो सबसे पहले बच्चों कुछ और लिखने से पहले सबसे पहले हम मेक इट इजी लिख लें ये समझ लीजिए कि हमें याद रहेगा कि बोर्ड जिस दिन हमने स्टार्ट किया था और सभी देवी देवताओं का सभी गुरुओं का सभी टीचर्स का सभी स्टूडेंट का धन्यवाद करते हुए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं चलिए बच्चों, लेट्स बिगिन विद दी टॉपिक टॉपिक है हमारा बच्चों आज का दैट इज कॉल्ड कार्बोरेशन 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 की जब हम बात करते हैं बच्चों ठीक है कार्बोरेशन की जब बात करते हैं जनरली हम एक सिंगल टी लगाते हैं इसमें तो आप लगाना चाहें तो सिंगल टी कार्बोरेशन हम लिख सकते हैं ठीक है देखिए कंसेप्ट क्या कहता है उस पर थोड़ा फोकस करें अच्छा अच्छा मेक इट <laughs> मेक टी बच्चों अभी तो हमें बहुत चीजें इसमें दिख रही हैं और बहुत चीजें नहीं दिख रही हैं Make मेक इट इजी ओके तो मेक टी इजी इसलिए लिखा समझो मेक टीचिंग इजी टीचिंग को इजी करने के लिए है ना बाकी मेक इट इजी तो पता ही है चलिए तो लेट स्टार्ट बच्चों यहां पे कार्बोरेशन की जब हम बात करते हैं अब कंसर्ट आ आज बच्चों बाकी सब चीजों से दिमाग हटा दीजिएगा दिमाग अब सिर्फ कंसर्ट पे रखेगा तभी आप उस पूरे सेशन का मजा ले पाएंगे चलिए ठीक है ना आई नो कि जो हमारे साथ इतने समय से बच्चे जुड़े हुए उनकी भी फीलिंग्स उतनी ही अच्छी इन चीजों को लेके होगी जितनी आज हमें है ठीक है so, सो फिलहाल सब कुछ भूल के अभी वापस वापस कंसर्ट पे आ जाइए दिमाग से बाकी सब चीजें हटा के देखिए बच्चों कार्बोरेशन की जब हम बात करते हैं तो कार्बोरेशन कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है लेकिन ओल्ड है ओल्ड मतलब कि ये कॉन्सेप्ट की आज जो रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा हमें नहीं है बिकॉज हम रिप्लेस कर चुके हैं कार्बोरेशन को इंजेक्शन सिस्टम से ठीक है ना बट हमें कंसेप्ट वाइज उसे पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज भी हम एस SI, आई इस तरह के प्रॉपर इंजन पढ़ते हैं जब तो एस आई सी आई इंजन को जब आप प्रॉपरली वे में पढ़ते हैं तो फिर तब जरूरी होना चाहिए पता कि एस SI आई इंजन में कार्बोरेशन या इस तरह की सिस्टम की नीड क्यों है तो पैसे पहले बेसिकली हम बात समझते हैं बच्चों तो हम सबको पता है कि एस SI आई इंजन में जो है एयर फ्यूल आपस में मिक्स होकर इंजन में एंटर करता है लेकिन उसी जगह पे हमारा जो सी होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ फ्यूल एंटर करता है एयर वहां ऑलरेडी दूसरे हाफ से आती है तो ऐसे में हमारे पास जब हमारा फ्यूल फ्यूल वहां जा रहा है और यहां एयर फ्यूल जा रहा है तो उससे बच्चों सबसे बड़ा फर्क जो पड़ता है वो ये पड़ता है एक तरफ क्वांटिटी का एक तरफ क्वालिटी का यही सबसे बड़ा रीजन भी होता है कि जब हम इधर बात करते हैं ऐसा इंजन की तो हम ये कहते हैं कि हम क्वांटिटी को कंट्रोल करते हैं कहते है नहीं कहते है? ठीक है ना कहते है नहीं कहते है? हम लोग क्या करते हैं हम लोग क्वांटिटी को कंट्रोल करते हैं क्वांटिटी को कंट्रोल करने का मतलब यह हो जाता है बच्चों कि कितना फ्यूल जा रहा है मतलब कितना अमाउंट जो है वो हमें जाने देना है कितना अमाउंट रोकना है लेकिन जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो वहां एयर फ्यूल नहीं है एयर ऑलरेडी है फ्यूल जा रहा है और जब फ्यूल जा रहा है तो क्वांटिटी से मतलब नहीं है क्वालिटी से मतलब है क्यों क्योंकि जब आप क्वालिटी को फ्यूल को कंट्रोल करोगे कि फ्यूल ज्यादा जाए तो रिच मिक्सचर कम जाए तो ली। तो जब फ्यूल को कंट्रोल करोगे ना मेनली तो वो क्वालिटी को कंट्रोल करना हो जाता है बच्चों तो सबसे सबसे बड़ा फर्क जो है वो आपको जो समझना होता है एस SI और सी में वो बिल्कुल क्लियर ध्यान रखेगा बच्चों जब आप सिर्फ फ्यूल को कंट्रोल कर रहे हैं फ्यूल याद रखिए फ्यूल मतलब क्वालिटी जब आप सिर्फ फ्यूल को कंट्रोल कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी फ्यूल की क्वालिटी को कंट्रोल कर रहे हैं ठीक है, जब आप एयर और फ्यूल को कंट्रोल कर रहे हैं तब आप क्वांटिटी कंट्रोल कर रहे हैं इसीलिए आपको सबसे पहले याद रखना पड़ेगा बच्चों कि आपके अगर इंजन है और इन योर इंजन अगर आप एक तरफ एस आई इंजन और एक तरफ जो है सी आई इंजन की बात करेंगे तो आपको यह चीज समझनी पड़ेगी कि एस आई इंजन में आप कंट्रोल करेंगे कंट्रोलिंग एयर प्लस फ्यूल तो दैट्स वाई वी कंट्रोल द क्वांटिटी क्वांटिटी कंट्रोल्ड है ना दिस इज क्वांटिटी कंट्रोल, क्लियर है? दिस इज क्वांटिटी कंट्रोल। और जब वहीं पर आप बात करेंगे सीआई इंजन की तो आप करेंगे कंट्रोलिंग ओनली फ्यूल और जब आप फ्यूल को कंट्रोल करेंगे तो इसका मतलब आप कंट्रोल कर रहे हैं क्वालिटी ऑफ फ्यूल क्वालिटी कंट्रोल्ड क्लियर है समझ में आ रही है बच्चों बताइए साफ दिखाई दे रहा है नहीं बिल्कुल बिल्कुल अनूप कुमार जी यही इरादा भी हमारा है ठीक है ना तो यहां पे आपको साफ ही अंतर समझ में आता है बच्चों कि हम किस में क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं या किस में क्वांटिटी कंट्रोल ठीक है कंट्रोल वर्ड भी यूज कर सकते हो बच्चों आप और इसमें आप जो है वो कंट्रोल के जगह पे गवर्न वर्ड भी यूज कर सकते हो ठीक है ना कंट्रोल वर्ड भी यूज कर सकते हो और गवर्न वर्ड भी यूज कर सकते हो आप क्लियर है नाउ, तो अब याद रखिए बच्चों, अब इस यहीं से आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर मैं बात कर रहा हूं क्वांटिटी कंट्रोल की तो मतलब तभी मैं यहां पे यूज कर रहा हूं कार्बोरेटर तो इसका मतलब कोई भी आपको सिंपल पूछता है कि कार्बोरेटर का काम क्या होता है तो आप वापस आ जाइए इट कंट्रोल द क्वांटिटी है ना ये क्या कंट्रोल करता है क्वांटिटी ऑफ एयर फ्यूल कंट्रोल है किसकी क्वांटिटी एयर और फ्यूल की क्वांटिटी समझ ना तो आप बहुत आसानी से बच्चों ये बात बता सकते हैं डेफिनेशन सिंपल ठीक है ना मैंने आपको नीड के हिसाब से बताया आप उसी हिसाब से बिल्कुल उल्टा बता सकते हैं कि भाई कार्बोरेटर जो है वो क्या करता है क्वांटिटी को कंट्रोल करता है एयर फ्यूल की समझ में आ रही बात बिल्कुल आसानी से ये बात आपके समझ में आ रही होगी क्लियर है बच्चों ठीक है ना ठीक है धीरज यादव जी अभी उसके बारे में मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है बच्चे मैं अभी देखा नहीं है कुछ भी ठीक है चलिए तो ये बेसिक सी बात समझ में आई अब ये बेसिक सी बात समझ में आई तो बच्चों हम डेफिनेशन भी लिख सकते हैं चलिए लेट्स स्टार्ट डेफिनेशन की बात करते हैं हम यहां पे तो जब हम बात कर रहे हैं बच्चों कार्बू रेशन की तो याद रखेगा कार्बोरेशन हमारा बेसिकली क्या है जब हम बोलते हैं तो इट इज़ द प्रोसेस हाँ ठीक है बच्चों कोई बात नहीं अभी ब्लैक भी ट्राई करेंगे अब तो डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करते रहेंगे हम लोग बैकग्राउंड ठीक है ब्लैक भी ट्राई करेंगे ग्रीन भी ट्राई कर रहे हैं ब्लू भी ट्राई करेंगे ठीक है बस समझ में आता रहे आपके तो ट्राई सब होते रहेंगे अब तो पेन जो चलिए वो पेन कर लो बोर्ड जो चाहिए वो बोर्ड कर लो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना तो याद रखिए बच्चों इट इज द प्रोसेस ऑफ इट इज दोसेस ऑफ सप्लाइंग सप्लाइंग यूनिफॉर्म याद रखिएगा ये यूनिफॉर्म वर्ड आना बहुत जरूरी है यूनिफॉर्म मतलब इक्वल मिक्सचर की बात हो रही है ठीक है ना यूनिफॉर्म मतलब एक बराबर मिक्सचर बराबर से मतलब ये नहीं है कि उतना फ्यूल और उतना एयर बराबर से मतलब होता है कि जो फ्यूल और एयर का मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करता है वो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होना चाहिए ऐसा नहीं कि एक जगह पे बहुत ज्यादा फ्यूल है और एक जगह पे कम फ्यूल है तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर होना चाहिए तो यूनिफॉर्म एयर एयर फ्यूल मिक्सचर टू दी सप्लाई यूनिफॉर्म एयर फ्यूल मिक्सचर एयर फ्यूल मिक्सचर टू दी किसको सप्लाई करता है सिलेंडर को इंजन सिलेंडर टू दी इंजन सिलेंडर सबके समझ में आना चाहिए बच्चों कंसेप्ट ठीक है ना मैंने आपको कहा था कि एमसीक्यू तो हम काफी समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं और आगे करते भी रहेंगे लेकिन इंपॉर्टेंट है अब कंसेप्चअली चीजों को वापस समझें क्योंकि अब विजुअलाइजेशन बेटर हो गया है तो मैं अब नए नए कॉन्सेप्ट आपको जरूर समझाता रहूंगा आए दिन के कुछ ना कुछ कंसेप्ट भी आपके दिमाग में जाते रहें ठीक है तो यहां पे हम क्या कह रहे हैं बच्चों सिंपल डेफिनेशन है इट इज द प्रोसेस ऑफ इंजन सिलेंडर तो बस जो मैंने क्वांटिटी बोली वो यूनिफॉर्म तो क्वांटिटी है अ क्वांटिटी तो ये प्रोसेस कहलाती है, तो कहला है याद रखेगा और कार्बोरेटर वो डिवाइस कहलाता है जो ये प्रोसेस को करके देगा तो हम क्या बोलेंगे कार्बोरेटर इज अ डिवाइस विच प्रोवाइड होमोजीनियस फ्यूल मिक्सचर तो हम ये बोलेंगे carburetor is a device which provides provides homogeneous homo genius air fuel mixture which provides homogeneous air fuel मिक्सचर ऐसा डिवाइस हमारा क्या कहलाएगा दैट इज कॉल्ड कार्बूरेटर ऐसा डिवाइस हमारा कहलाएगा दैट इज कॉल्ड कार्बूरेटर एक क्लास छोरी भी करो ले ले वही वही बोला प्रीति मैंने थ्योरी क्लासेस भी जो है वो जरूर एक ना एक आएगी एमसीक्यू के साथ साथ क्लियर है तो ये बेसिक डेफिनेशन समझ में बच्चों अब समझना जरूरी है कि काबूरेटर काम कैसे करता है क्योंकि वहीं से वर्किंग समझ में आएगी आपके आप समझ गए कि ऐसा इंजन में इस तरह होता है लेकिन काबूरेटर काम कैसे करता है यह समझना बहुत जरूरी है तो आइए इसको समझने के लिए इसको समझने के लिए हम बेसिक से एक एक काबूरेटर डिजाइन की तरफ बढ़ते हैं और वहां से समझने की कोशिश करते हैं बच्चों तो यहां पे मैं एक काबूरेटर का डिजाइन ले, ले लेता हूं आपके सामने आ, मान लीजिए यहां से हम इमेज उठा लें आ, एक काबूरेटर का बेसिक डिजाइन ले लेते हैं बच्चों हमारे सामने कुछ कहीं यहाँ लिख के चलो यहाँ डेफिनेशन तो सबने पढ़ ली ना तो डिजाइन डिजाइन समझ लेते चलो यहीं समझ लेते बाद में हटा देंगे ठीक है अब देखिए कार्बोरेटर सबको दिखाई दे रहा बच्चों कार्बोरेटर दिखाई दे रहा सबको प्रॉपर ठीक है दिखाई दे रहा है वेरी गुड नाउ अब देखिए अब इस कार्बोरेटर को समझने के लिए थोड़ा सा हम इस पे कलर चेंज करते हैं जो कि हम लिख सकें प्रॉपर बता सकें कि क्या है चलिए देखिए ये एक काबूरेटर का डिजाइन है बच्चों एक्चुअल काबोरेटर फिर वो दिखाता हूँ आपको पहले स्केमेटिक डायग्राम समझ लीजिए जिससे आपको आइडिया लग जाए कि हाँ काबोरेटर काम कैसे कर रहा होगा ठीक है ना उम्मीद आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा काबोरेटर दिखाई दे रहा बच्चों कैमरा सेट करने की जरूरत तो नहीं है ब्राइट तो नहीं आ रहा ज्यादा दिखाई दे रहा है ना बढ़िया चलिए ठीक है कोई बात ठीक है यस yes, सर <laughs> चलो क्या Now, अब देखो बच्चों ये हमारे पास डिजाइन है जिसमें आप देख सकते हैं एक तरफ आपको कुछ इनलेट दिखाई दे रहा है यहां पे एरो टाइप यहां पे आपको एरो जाता हुआ दिखाई दे रहा है ठीक है तो एक तरफ आप एंट्री समझो पहले एंट्री यहां पे आपको कुछ निडल जैसा दिखाई दे रहा है ठीक है मैं पहले हाईलाइट कर देता हूं जो जो पोर्शन थोड़े वीक दिखाई दे रहे हैं ना ये देखो ये एक निडल जैसा दिखाई दे रहा है एक वॉल्व निडल वॉल्व जिस बोलते इसे यहाँ पे फ्लोटर टाइप है ठीक है यहां पे ये चैंबर है बच्चों यहां से कुछ फ्यूल दिख रहा है यहां पे एक वॉल्व लगी है, एक वॉल्व यहां लगी हुई दिखाई दे रही है और ये एक फिल्टर लगा है ठीक है तो इसको पहले पार्ट्स को समझ लेते हैं क्या क्या इसमें लगा है जैसे कि ये आपका जो है बच्चों इज़ कॉल्ड फिल्टर आपने देखा भी होगा देखा भी होगा बाइक वाइक में सब जगह फिल्टर दिखता है आपको और बड़ा करना है और बड़ा कर देते हैं चलो ठीक है देखो यहां पे आप सिंपल समझिए बच्चों ये है आपने बाइक वाइक में सब जगह देखोगा एक एयर फिल्टर यूज होता है दैट इज कॉल्ड एयर फिल्टर तो वही है सेम बच्चों जिसमें पेपर टाइप भी होता है ना आप देखोगे तो उसमें कई सारे बाहर के ऑब्जेक्ट में कई सारे पेपर होते हैं पेपर मतलब फिल्ट्रेशन के लिए लगा होता है ताकि एयर अंदर जाए और डस्ट वस्ट को रोक ले तो दैट इज कॉल्ड योर फिल्टर तो यहां पे हमारा ये एयर फिल्टर लगा है बच्चों जिसको हम लिख सकते हैं दैट इज एयर फिल्टर तो ये है हमारा एयर फिल्टर सबसे पहली चीज ठीक है अब एयर फिल्टर है हमारा पहले पार्ट समझ लो बच्चों है ना ये पार्ट समझ लो ये पूरा हमारा एक कार्बोरेटर है समझ लीजिए ये पूरा हमारा क्या है एक कार्बोरेटर है जिसमें आपका क्या लगा है एयर फिल्टर लगा है अब एयर फिल्टर वर्किंग तब समझेंगे ठीक है एयर फिल्टर लगा है अब ये जो वॉल्व आप देख रहे हो ये वॉल्व येलो कलर की वॉल्व दैट इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड चोक वॉल्व, ये वॉल्व called, तो ये है आपकी बच्चों दैट इज कॉल्ड चोक वॉल्व ये आपकी चोक वॉल्व है क्लियर है अब ये लगी है चोक वॉल्व इधर अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको देख रहे होगी यहां तक तो क्रॉस सेक्शन बड़ा है एकदम से क्रॉस सेक्शन छोटा हो रहा है अब ये जो क्रॉस सेक्शन आपका यहां पे छोटा हो रहा है बच्चों दिस इज कॉल्ड वेंचुरी वेंचुरी बोल सकते हो आप उसे जहां पे क्रॉस सेक्शन छोटा हो रहा है इसको हम वेंचुरी बोलते हैं तो ये जो दिख रहा है ना आपको ये पोर्शन ये वाला पोर्शन ऐसे ये वाला पोर्शन ऐसे तो ये जो पोर्शन छोटा होता हुआ दिखा रहा है बच्चों इसको आप वेंचुरी बोलते हो दैट इज कॉल्ड वेंचुरी वेंचुरी मीटर देखा है ना जैसे उस तरह का शेप जो दैट इज कॉल्ड वेंचुरी ठीक है नाउ ये जो आपका टैंक यहां दिख रहा है बच्चों इसको फ्लोट चैम्बर बोलते हैं यहां पे फ्यूल है आपका दैट इज कॉल्ड फ्लोट चैम्बर ये जो टैंक आपका दिख रहा है दैट इज कॉल्ड फ्लोट अच्छे से बच्चों रट जाएगा जो भी इस सेशन को देखेगा आज काबू में वो पूरा पूरा डेढ़ दो पेज लिख देगा जो भी देखेगा इसे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा नाव बच्चे ये हमारा फ्लोट चैम्बर पूरा जिसमें फ्यूल सा भरा हुआ है येलो कलर का ये हमारा फ्लोट चैम्बर है और यहां पे यहां पे अगर आप देखो तो ये जो बीच में ये दिख रहा है इसमें तैरता हुआ डब्बा था फ्लोटर ये हमारा फ्लोटर है दैट इज कॉल्ड फ्लोटर ये हमारा फ्लोटर है बच्चों ठीक है जो इस फ्यूल में फ्लोट कर रहा है अब ये जो मैंने आपको दिखाया था ठीक है ना जो पहले समझ लो इसको हटा देते हैं जो यहां पे मैंने आपको ये दिखाई थी ये पेंसिल एकदम निडल टाइप की जो वॉल्व थी थी दैट इज कॉल्ड बच्चों नीडल वॉल्व इसको बोलते हैं हम नीडल वॉल्व ये हमारी कहलाती है नीडल वॉल्व समझ आ गई बात तो दैट तो इज तो कॉल्ड तो नीडल वॉल्व ये है हमारा फ्लोटर ठीक है ठीक है समझ आ गई बात क्लियर है इतना समझ में आ रहा है सबके ठीक है ना तो ये है यहां पे बच्चों हमारा होता है फ्यूल फ्यूल एंटर करता है यहां पे तो इसलिए हम यहां पे फ्यूल लिख देते हैं ये हमारा फ्यूल है जो आगे स्ट्रेनर वगैरह से अटैच होता है ठीक है बेसिक सी अब देखो एक वॉल्व ये है बच्चो एक वॉल्व ये दिख रही है सबको क्लियर ना सबको दिख रही है एक वॉल्व ये तो दैट इज कॉल्ड ठीक है बच्चों सब कुछ कर लेंगे सेटिंग जो आप चाहोगे वो हो जाएगी ठीक है ये जो हमारी एक चीज दिख रही है बच्चों दैट इज कॉल्ड योर थ्रोटल वॉल्व इसको बोलते हैं थ्रॉटल वॉल्व दैट इज कॉल्ड योर थ्रॉटल वॉल्व क्लियर है कोई बात नहीं बच्चे ग्रीन बैकग्राउंड कई बच्चे ग्रीन बैकग्राउंड पसंद नहीं आ रहा बच्चों को बताओ क्या बैकग्राउंड तुम्हें चाहिए ग्रे बैकग्राउंड चाहिए ग्रे बैकग्राउंड कर लो कोई समस्या नहीं बच्चों जो बोलेगी वो बैकग्राउंड हो जाएगा इसमें तो मतलब सेकेंडों के काम हो रहे हैं तो क्या ही घबराने वाला हर बच्चे के लिए हम हर पाँच मिनट में बैकग्राउंड बदल सकते हैं लेकिन मेन बात है कि जो करने आए हैं वो कर लें है ना ये तो समझ लो एक दिन सेशन रखेंगे जिसमें सिर्फ बैकग्राउंड ही बदलेंगे फॉन्ट बदलेंगे कलर बदलेंगे जो तुम्हें सही लगेगा वहां हम लोग सेव कर लेंगे ठीक है सिंपल है कोई दिक्कत नहीं है आप ध्यान से देखो क्लियर है ठीक है अब कोई किसी की कोई इच्छा है कि सर ब्लैक कर लें ठीक है ना तो यहां पे बच्चों बस पार्ट्स में ध्यान दो आप क्या लगाया हमने हमने लगाया है यहां पे दैट इज योर एयर फिल्टर दोबारा से बता रहा हूं एयर फिल्टर है दो वॉल्व तीन वॉल्व लगी हैं तीन वॉल्व कौन कौन सी दैट इज यू हैव अ चोक वॉल्व यू हैव अ थ्रोटल वॉल्व एंड यू हैव अ निडल वॉल्व ठीक है तीन वॉल्व यहां पे लगी हैं ठीक है समझ आ गई बात बच्चों क्लियर है समझ आ गई बात कोई कंफ्यूजन किसी को ठीक है ये बेसिक सी बात समझ में आ गई ना अब यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों तीन वॉल्व में तीनों का फंक्शन क्या है वो अभी आपको वर्किंग में समझ आ जाएगा एक फ्लोटिंग चैंबर एक फिल्टर अब होता क्या है फंक्शन बड़ा सिंपल है बच्चों फंक्शन बड़ा बेसिक है फंक्शन ये है कि सबसे पहले सबसे पहले आपकी जो एयर है एयर वो एंटर करती है मान लीजिए हम इसको कर देते हैं बच्चों एयर को मैं दिखाता हूं ब्लू कलर से ठीक है तो सबसे पहले आपकी क्या है बच्चों यहां से एयर आपकी फ्रेश एयर जो है वो एंटर एंटर करेगी तो फ्रेश एयर यहां से अंदर मॉलिक्यूल्स उसके एंटर करेंगे हमारे एयर फिल्टर में एयर फिल्टर में वहां लगे हैं हमारे फिल्टर बच्चों तो उस एयर फिल्टर में क्या होगा डस्ट पार्टिकल सारे रुक जाएंगे ठीक है ना डस्ट पार्टिकल सारे जो है वो रुक जाएंगे और सिर्फ अंदर क्या जाएगा फ्रेश एयर अंदर जाएगी ठीक है ना सिर्फ अंदर क्या जाएगा बच्चों फ्रेश एयर अंदर जाएगी यहां से ठीक है तो मीन्स एयर फिल्टर हमने जो लगाया है टू रिमूव डस्ट वगैरह जो भी है उसको रिमूव करने के लिए हटाने के लिए जो मैं बताने वाला हूं इसका एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हैं कुछ चीजें मैं आपको जरूर दिखाऊंगा यहाँ पे मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि यहां पे सारा पानी वानी हो जाता लेकिन जरूर मैं आपको जल्दी दिखाऊंगा एक बहुत अच्छी चीज तो क्या होता है बच्चों यहां पे जो है वो एयर फिल्टर से आपकी एयर अंदर आई अब देखो एयर अंदर आई तो यहाँ चोक लगी है बच्चो अब आप लोगों ने चोक का जो वो फंक्शन है वो बहुत बार अच्छे से समझा है बच्चों मतलब बहुत बार सुना है लेकिन फीलिंग कभी नहीं ली क्योंकि हमेशा यही आई है कि चोक जब हम लगाते हैं तो हमेशा हम फ्यूल को कंट्रोल करते हैं ना हमेशा यही आती है हमें बाद कि अरे यार गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही चोक लगाओ आपको लगता है चोक लगाई तो अब जो है आपका फ्यूल ज्यादा फ्लो करना लग जाएगा ठीक है ना क्या चीज पेमेंट एक सेकेंड बच्चों एक सेकंड बच्चों हाँ थोड़ा सा कुछ इमरजेंसी ऑफिसर होंगे ना उनसे करवा दो ना पेमेंट मैं उनको दे दूंगा आशीष कर देगा आशीष के फ़ोन पे में होंगे पैसे इक्कीस सौ कुछ है वो कर देगा पेमेंट मैं उसको दे दूंगा ना फिर उसी का फ़ोन आ रहा आ रही है बच्चों आवाज़ ठीक है सॉरी हाँ क्या कह रहा हूँ मैं तो यहां पे हमारा क्या हुआ एयर एंटर कही अब जो चोक वॉल्व है चोक वोल्व को लेकर सबको यही कंफ्यूजन है तो यहां पे हमेशा याद रखिए बच्चों चोक वॉल्व किसी भी तरह से फ्यूल को कंट्रोल नहीं करता है चोक वॉल्व हमारा जो है वो सिर्फ सिर्फ एयर को चोक करता है एयर को ओनली एयर कंट्रोल लेकिन हम फ्यूल कंट्रोल बोल देते हैं क्योंकि फर्क फ्यूल पे पड़ रहा है ठीक है ना लेकिन वो कर क्या रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एयर कंट्रोल कर रहा है बच्चों सिर्फ और सिर्फ एयर कंट्रोल देख ही आप यहां पे तक अभी फ्यूल का कोई जिक्र ही नहीं है यहां से क्या हो रहा है चोक वॉल्व अगर पूरी तरह ओपन है तो ऐसे में समझ लीजिए पूरी पूरी एयर जो है वो अंदर एंटर कर रही है क्लियर है पूरी पूरी एयर अंदर एंटर कर रही है ठीक है अब क्लियर समझ आ रही बात तो यहां पे हमारा क्या हो रहा है ठीक है हेलो ठीक है ना चलिए तो यहां पे हमारा क्या हो रहा है एयर यहां तक तो पूरी तरह ओपन मतलब एयर पूरी की पूरी कंप्लीट अंदर आएगी लेकिन अगर ये वॉल्व जो है वो पार्शियली ओपन या ग्रेज कुछ भी है इधर उधर तो वहीं से हम लोग कंट्रोल करेंगे तो जब हम बोलते हैं चोक वॉल्व को खींचते हैं वैन बी पुल दी चोक वॉल्व जब हम समझ लीजिए चोक वॉल्व को हमने पूरी तरह से खींचा है तो उस समय याद रखिए बच्चों, उस समय हम एयर को रोक रहे हैं ठीक है ना ये हमेशा याद रखेगा जब हम चोक वॉल्व को ओपन कर रहे हैं वेन वी वेन वी पुल दी चोक वॉल्व वी वी स्टॉप या वी स्टॉप दी एयर फ्लो ठीक है ना जब हम चोक वॉल्व को खींच रहे होते हैं तो याद रखिए उस समय हमेशा हमेशा हम एयर को रोक रहे होते हैं तो चोक वॉल्व खींचना मतलब ऐसे चोक वॉल्व ऐसे फ्लैट होती जा रही है जब ऐसे फ्लैट हो जाएगी जो बंद करती जाएगी इस फनल को तो जब वो ऐसे फ्लैट हो रही है तो बंद कर रही है फनल को समझ आ रही है बात तो चोक वॉल्व को खींचना मतलब वॉल्व को ऐसे बंद कर देना क्लियर है समझ में आई बच्चों बात ठीक है ना ये बेसिक सी बात है नाउ अब देखिए अब यहां से एयर अंदर आई बच्चों अब क्या होगा एयर कुछ सर्टेन है. अब यहां पे एयर जो आ रही है बताओ किस प्रेशर में आ रही है जल्दी बताओ एयर जो अंदर आ रही है बच्चों बताओ किस प्रेशर में आ रही है यहां पे जो एयर अंदर आ रही है प्रेशर क्या होगा बच्चों उसका एंट्री पॉइंट पे बताइए जल्दी जो भी एयर अंदर आ रही है उसका प्रेशर क्या होगा बच्चों जल्दी बताए जल्दी बताए क्या प्रेशर होगा उसका जल्दी बताए बच्चों क्या प्रेशर होगा जो एयर अंदर आ रही है तो जो भी एयर अंदर आ रही है बच्चों उसका प्रेशर रहता है दैट दैट इज इज कॉल्ड कॉल्ड उसका प्रेशर रहता है 1.013 बार है ना एटमोस्फेरिक प्रेशर तो भाई एटमोसफेयर से एयर सक्शन किया ना उसने जो एयर जो है एटमोस्फेयर से सक्शन किया तो दैट इज द एटमोस्फेयरिक प्रेशर है ना क्या लिया उसने एटमोसफरिक प्रेशर में एयर सक्शन किया समझ आ रही बात लेकिन अब देखो जैसे ही यहां एंटर किया इस जगह पे पॉइंट पे हो क्या बच्चों क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो रहा है और सिंपल सी बात है कि जब हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो उस जगह पे एयर की वेलोसिटी बढ़ जाएगी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी उस जगह पे क्या होगा ऑटोमेटिकली एयर की वेलोसिटी जो है बच्चों वो इंक्रीज कर जाएगी कर जाएगी नहीं कर जाएगी कर जाएगी ना और एयर की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो मतलब क्या होगा बर्नौली थ्योरम सभी लोग जानते हैं कि जिस जगह पे एयर की वेलोसिटी वेलोसिटी इंक्रीज इंक्रीज कर रही है करती है करती तो उसे मिनिमाइज करने के उसे करने के लिए हम क्या करते हैं प्रेशर ड्रॉप करता है तो सेम यहां पे भी वही होगा बच्चों यहां से एटमोस्फेरिक प्रेशर में एंटर किया था लेकिन इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे हमारा वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है लेकिन बच्चों प्रेशर जो है वो हमारा ड्रॉप कर जाएगा प्रेशर हमारा जो है वो ड्रॉप कर जाएगा समझ रहे हैं बात को दोबारा बता दू मैं यहां पे कि इस पॉइंट पे हो क्या रहा है बच्चों इस पॉइंट पे जैसे हमारी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है उसी तरह हमारा प्रेशर जो है वो ड्रॉप कर जाता है बस इसी बात को आपको समझना है किस पॉइंट पे हो रहा है ये इस पॉइंट पे हो रहा है समझ आ रही बात तो जैसे ही प्रेशर डिक्रीज होगा अब आ जाओ बच्चों इस प्रेशर डिक्रीज को यहीं पर छोड़ दो लगभग कितना प्रेशर डिक्रीज हो सकता है बच्चों ये समझ लीजिए आप कि अगर मैं यहां पे की बात करूं तो जैसे यहां पे प्रेशर एटमोस्फेरिक है तो यहां पे प्रेशर जो है वेंचुरी मीटर पे जगह पे वेंचुरी मीटर पे प्रेशर जो है वो जीरो पॉइंट नाइन नाइन वन समथिंग हो जाएगा तो मतलब इतना फर्क पड़ जाएगा यहां परीरोन थ्री बाय बार है तो यहां पर जीरो पॉइंट नाइन वन समथिंग हो जाएगा इतना प्रेशर जो है फर्क पड़ेगा तो अब यहां पे प्रेशर डिक्रीज हो गया तो अब आ जाओ इस पार्ट पे अब इसको यहीं पर छोड़ दो अब इसको यहीं पर छोड़ दो बच्चों अब इस पार्ट पे आ जाओ अब यहां से आपका जो भी है फ्यूल स्ट्रेनर लगा है बच्चों मान लीजिए यहां पे आपका फ्यूल स्ट्रेनर वगैरह लगा है है ना फ्यूल स्ट्रेनर जो फ्यूल को फिल्टर विल्टर करके देता है ना फ्यूल भी तो फिल्टर करके डालना है ना अंदर तो जो भी हमारा फ्यूल जहां से भी टैंक वैंक से आ रहा है उसके बाद फ्यूल स्ट्रेनर लगा बच्चों और ये फ्यूल स्ट्रेनर से फ्यूल भी साफ सूफ होने के बाद यहां से सप्लाई हो रहा है यहां से सप्लाई हो रहा है और फ्यूल आपका मान लीजिए यहां से एंटर कर रहा है फ्यूल आपका क्या कर रहा है यहां से एंटर कर रहा है बच्चों तो अब यहां पे भी आपको एक बात समझनी होगी कि फ्यूल जो आपका एंटर कर रहा है बच्चों उसको भी कंट्रोल करना जरूरी है फ्यूल जो एंटर कर रहा है उसको भी कंट्रोल करना जरूरी है कि फ्यूल एकदम से सारा इस टैंक में ना भर जाए जो आपका फ्लोटिंग चैंबर है उसमें भी फ्यूल पूरा पूरा नहीं भरना चाहिए ना जितनी जरूरत है उस हिसाब से जाना चाहिए तो ऐसे में आप बच्चों यहां लगाते हो नीडल वॉल्व यहां लगाते हो आप एक निडल बॉल्व और ये निडल बॉल्व वगैरह आप देखो तो ये फ्यूल चैंबर के साथ अटैच है मतलब फ्लोटर के साथ अटैच है फ्लोटर के साथ तो क्या हो रहा है जब यहां पे कोई सर्टेन लेवल है बच्चों जब फ्यूल का यहां पे कोई सर्टेन लेवल है तो सर्टेन लेवल के हिसाब से आपका फ्लोटर ऊपर जा रहा है यहां पे अगर देखिए इस लेवल से अगर ऊपर है अगर इस लेवल से ऊपर लेवल होता है या इस लेवल तक पहुंचता है तो आपका फ्लोटर जो है ये फ्लोटर ये फ्लोटर जो है वो ऊपर जाता है ये ऊपर जाएगा तो देखो इसके साथ जो निडल अटैच है बच्चों ये यहां से ये अटैच है तो ये क्या करेगी इसे बंद कर देगी है ना ये जब फ्लोटर ऊपर उठेगा तो निडल वॉल्व इसे बंद कर देगी भाई सिंपल सा है ये फ्लोटर ऐसे है और निडल वॉल्व ऐसे लगी है तो जैसे ही फ्लोटर ऊपर उठ रहा है निडल वॉल्व इसे बंद कर दे रही है सिंपल है ना ये सिंपल ऐसे हो गया कोई और ये इसको बंद कर दे रही है सिंपल ऐसे करके ठीक है ना ये इस तरह से इसे बंद कर दे रही है ये फ्लोटर लगा है तो जैसे ही फ्लोटर ये समझ लो कोई हिंज पॉइंट है तो ये फ्लोटर ऊपर उठ रहा है इसे बंद कर दे रही है तो ऐसे में आप आराम से फ्यूल कंट्रोल कर सकते हो बच्चों ठीक है ना फ्यूल कंट्रोल कर सकते हो तो अब ये समझ लीजिए ठीक है तो ये समझ लिया नीडल अटैच है बच्चों फ्लोटर आर्म के साथ बिल्कुल आर्म के साथ अटैच है आपको थोड़ा सा नजदीक से सा उतना अच्छा ना दिखाई दे रहा हो लेकिन ये इसके आर्म के साथ पूरी तरह से अटैच है जो कलर आपको दिखाई देगा मैं उस कलर में दिखा देता हूं ये समझ लीजिए ये इस तरह से ना ये जो है इसके साथ पूरी पूरी अटैच है इस फ्लोटर के साथ ऐसे क्लियर है तो बस यहां से ये इसके साथ अटैच है बच्चों जिससे ये फ्लो को कंट्रोल कर देगी पर बात है कि फ्लो यहां पे लाना ही क्यों है फ्यूल को अब ये समझो बच्चों तो देखिए अब यहां पे मतलब ये इससे कंट्रोल हो रहा है तो यहां पे एक सर्टेन लेवल हमेशा मेंटेन रहेगा यहां पे क्या होगा एक सर्टेन लेवल ऑफ फ्यूल हमेशा मेंटेन रहेगा तो अब यहां पे बच्चों समझ लीजिए आप अगर एक सर्टेन लेवल ऑफ फ्यूल जो है वो मेंटेन रहेगा इसका मतलब यहां से फ्यूल जो है वो हमेशा एक पर्टिकुलर प्रेशर पे रहेगा यहाँ से फ्यूल जो है वो पर्टिकुलर प्रेशर पर रहेगा अब मुझे ये बता दो बच्चों यहाँ पे फ्यूल किस प्रेशर रहता हो हो यहां पे रहता होगा यहाँ पे फ्यूल जो है बताओ किस प्रेशर पे रहता होगा बच्चों बताएगा कोई यहाँ पे फ्यूल बताओ बच्चों मुझे किस प्रेशर पे रहता होगा हो हो हो? कोई भी बच्चा बता दो देखो कोई बता भी देगा जल्दी बताओ देखो यहां पे फ्यूल जो है किस प्रेशर पर रहता होगा बच्चों यहां पे फ्यूल किस प्रेशर पे रहेगा जल्दी बताएं यही तो छोटे छोटे क्वेश्चन है बच्चों अगर आपने कंसेप्ट पूरा पढ़ा है तो ये इन क्वेश्चन का आंसर आप आराम से कर देंगे ठीक है बिलो एटमोस्टरी मोहम्मद इरफान जी ने गलत आंसर दिया बताएं बच्चों तीन प्रेशर मैंने पूछे आपसे एक वेंचुरी में क्या रहता है है ना एक प्रेशर मैंने आपसे ये पूछा बताओ वेंचुरी में क्या रहता है एक प्रेशर मैंने पूछा आपसे बताओ थ्रोटल वो, चोक वॉल के वहां पे एंट्री पे क्या प्रेशर रहता है अब एक तीसरा मैं पूछ रहा हूं बताओ फ्लोट चैंबर पे प्रेशर क्या रहेगा बच्चों बिलो एटमोस्फेरिक नहीं बेटा जी नहीं याद रखिए बच्चों यहां पे एटमॉस्फेरिक से नीचे का तो मतलब ही नहीं बच्चों इस सरफेस पे जो प्रेशर रहता है अब लिक्विड में तो आप फिर भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बोल सकते हो मैं जनरली सरफेस के प्रेशर की बात कर रहा हूं यहां सरफेस पे बच्चों याद रखिए इस फ्लोटिंग पे एक होल होता है बिल्कुल फाइन होल इसमें दिख नहीं रहा है फिगर में लेकिन यहां पर जो है वो एक फाइन होल होता है बच्चो फाइन होल ठीक है यहां पे एक फाइन होल लेते हैं ऊपर की तरफ नीचे नहीं लेंगे याद रखिएगा एक फाइन होल होता है वो होल सिर्फ इसलिए है ताकि हवा आ जा सके वो फाइन होल सिर्फ इसलिए बच्चों थोड़ा सा हवा जो है वो इसमें दबाव बना सके और हवा दबाव बनाएगी तो कैसा प्रेशर बनाएगी एटमोस्फेयरिक तो याद रखिए बच्चों यहां पे भी प्रेशर जो है वो एटमोस्फेरिक होता है समझ आई बात यहां पे भी प्रेशर जो है वो आपका एटमोस्फेयरिक होता है प्लीज बच्चों सेशन अगर आपको सही लग रहा है यूजफुल लग रहा है तो लाइक जरूर करते रहें सेशन को और निपटने के बाद शेयर कमेंट भी जरूर करें ठीक है तो याद रखिए बच्चों यहां पे भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक होता है क्योंकि ऊपर जो फाइन होल रहता है वहां से एयर का दबाव रहता है ठीक है ना तो इसलिए हमने यहां पे भी रखा है ऊपर भी एटमॉस्फेरिक है ऑटोमेटिकली बस इस जगह पे प्रेशर बिलो एटमोस्फेयरिक है इस जगह पे प्रेशर जो है वो बिलो एटमोस्फेयरिक है समझ आ रही बात तो यही यहीं पर प्रेशर बच्चों बिलो एटमोस्फेरिक है जिसके वजह से होगा क्या कि जैसे ही यहां पे प्रेशर बिलो एटमोस्फेरिक होगा फ्यूल जो है वो उठ के यहां से इस पाइप के थ्रू देखो एक पाइप अटैच है इस पॉइंट पे ठीक वेंचुरी के पॉइंट पे ये पाइप अटैच है बच्चो और इस अटैच पाइप से ठीक है ना इस अटैच पाइप से सीधा यहां पे इधर से चला जाता है यही तो बच्चों वो फाइन होल का ये फाइन फाइन चीजें ही तो नहीं पता ना ये फाइन होल का नहीं पता रहता इसलिए बच्चे ढूंढते रहते कि सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे हुआ यहाँ कैसे हुआ समझ आ रही बात ठीक है तो ये फाइन जो है यहां से फ्यूल जो है वो इधर एंटर कर जाता है बच्चों क्यों क्योंकि यहां पे उसके हिसाब से एटमोस प्रेशर एक हाई प्रेशर हो गया बच्चों है ना यहां पे उसके हिसाब से हाई प्रेशर हो गया और इस पॉइंट पे जो है वो लो प्रेशर है तो भैया यहां हाई प्रेशर होगा फ्यूल का और यहां लो प्रेशर होगा तो फ्यूल तो भाग पड़ेगा तो यहां से फ्यूल जो है वो पहुंच के इस पॉइंट पे आ जाता है इस पॉइंट पे आ जाता है अब देखो बच्चो अब ये है देखने वाली बात आप घर पर आराम से देखें क्या करें किसी हाई वेलोसिटी से एयर जहां पे जा रही है उसके जगह पे आपने कभी देखा है कभी कहाँ देखने को मिलता है ये चीज हाँ ए, थोड़ा वैसा एग्जाम्पल है मतलब बहुत अच्छा नहीं है लेकिन मुझे अभी यही ध्यान आ रहा है <laughs> क्या एग्जाम्पल कि जैसे आपने कभी बस से जा रहे हो किसी गाड़ी से जा रहे हो और आप बाहर मुंडी निकाल के अगर पानी पीते हैं या कर देते हैं तो आपने देखा होगा कि अगर आप लिक्विड बाहर निकालें मतलब मुंह से ना भी निकालें बॉटल से निकालें या पानी फेंकें अपनी तेजी वेलोसिटी जब एयर बहुत तेजी से जा रही है तो एक चीज आपको देखने को मिलेगी जब एयर बहुत तेजी से जा रही है और आपने पानी बाहर निकाला वो पानी एकदम से ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में टूट जाएगा समझ रहे ना पानी क्या होता है छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में टूट जाता है तो ये अभी यही इससे बेहतर भी एग्जाम्पल हो सकते हैं बच्चों सोचने का टाइम चाहिए ठीक है <laughs> तो समझ रहे तो सिंपल समझो कि जैसे ही यहां से फ्लूड एंटर करेगा तो फ्लूड यहां से ड्रॉपलेट की फॉर्म में नहीं जा रहा है याद रखिएगा बच्चों फ्लूड जो है समझने वाली बात यह है कि यहां से ड्रॉपलेट की फॉर्म में नहीं जा रहा है यहां से फ्लूड जो है वो ये लिक्विड है तो ये लिक्विड ही रहेगा है ना फ्लूड जो है वो लिक्विड है लिक्विड रहेगा लेकिन जैसे ही वो ए हाई वेलोसिटी ऑफ एयर के कांटेक्ट में आ रहा है वो जो है छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में टूट जा रहा है बच्चों जिसको हम बोलते हैं एटोमाइज फॉर्म और ये आपने देखा भी होगा बच्चों है ना प्रैक्टिकली देखा भी होगा तो यहां पे बच्चों जैसे ही ये छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में टूट जाएगा तो ऐसे में ये क्या हो जाएगा एटोमाइज फॉर्म में चला जाएगा फ्यूल तो जैसे ही फ्यूल एटोमाइज फॉर्म में जाता है गैस मॉलिक्यूल के साथ आराम से कंबाइंड कर जाता है और एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है समझे ना समझे ना तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस है बच्चों, आप घर में भी देख सकते हो ड्रायर से तेज़ हवा फेंको, उसके आगे पानी फेंको तो आप देखोगे ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में ठीक है ना, छोड़ी -छोड़ी 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 ना? तो यहाँ पे फ्यूल जैसी आपका आया छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में थोड़ा और डार्क दिखाओ में ड्रॉपलेट्स को तो ये समझ लीजिए इस कलर में दिखाते हैं तो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में जो है बच्चों ऐसे ऐसे यहाँ पे आ जाएगा और एयर के साथ पूरी तरह से बच्चों मिक्स हो जाएगा और यहाँ से प्रॉपर एक यूनिफॉर्म मिक्सचर जो है वो चलना शुरू हो जाएगा इस तरह से तो अब ये समझ लीजिए यहाँ पे क्या हो गया एयर और फ्यूल आपस में अच्छे से मिक्स हो गया है एयर फ्यूल आपस में अच्छे से मिक्स हो गया है समझ आ रही बात ठीक है ना अभी ये समझ लीजिए इसी चीज को हम लिंक करेंगे जब हम अगला सेशन पढ़ेंगे तो मैं इसी चीज को बच्चों लिंक करूंगा आपके एयर फ्यूल मिक्सचर से क्योंकि मेन समस्या तो वही है ना क्वेश्चन बच्चे का जब आता है कार्बोरेटर के बाद तो कार्बोरेटर के फंक्शन समझने के बाद जो तो सबसे बड़ी समस्या आती है बच्चों वो आती है इक्वलेंस रेशियो की एयर फ्यूल मिक्सचर की कि एयर फ्यूल का जो रेशियो है वो क्या रहेगा तो इसके लिए आपको आज का सेशन अच्छे से समझना पड़ेगा तभी कल का सेशन समझ में आएगा ठीक है ना अगर आज का सेशन अच्छे से देखोगे तो कल और बेहतर ढंग से और जो एयर फ्यूल आपको कंबाइंड समझ में आएगा विद एयर फ्यूल समझो आपको मजा आ जाने वाला है पूरे टॉपिक में आपके दिमाग से वो कंफ्यूजन ही हट जाएगा लीन में ऐसा क्यों इसमें ऐसा क्यों क्लियर है तो उसके लिए आपको ढंग से समझना है ठीक है ना ठीक है सर डिजिटल बोर्ड एस एस जेई कंप्लीट स्टार्ट क्लास स्टार्ट कर दो वो हो चुकी है बेटे संग्राम जी एस एस जेई की क्लास चल रही है ऑलरेडी तो जो भी बच्चा अभी तक नहीं डाउनलोड किया है हमारी नई ऐप मेक इट इजी लाइव क्लासेस नई ऐप है बच्चों जिसने पुराने डाउनलोड की थी वो स्विच हो जाओ क्योंकि पुरानी ऐप जो है वो जल्दी बंद होने वाली है मंडे से तो जल्दी उधर स्विच हो जाओ क्योंकि इसके भी सारे पीडीएफ सेशन वेशन सब आपको वहीं मिला करेंगे क्लियर है तो यहां पे बच्चों ध्यान से समझिएगा यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि फ्यूल इधर एटोमाइज फॉर्म में आ जाएगा अब बारी है थ्रोटल वोल्व की अब थ्रोटल वोल्व क्या होती है तो आपको याद है आपके गाड़ियों में आप जो है हैंडल अगर टू व्हीलर यूज कर रहे हैं तो टू व्हीलर में हैंडल में आपका एक्सीटर होता है बच्चों इस तरह से जिसमें क्या होती है वायर कनेक्टेड होती है आप जब देखते हो उसे खींचते हो आप तो वायर खींचती है वहां से थ्रोटल ओपन होता है और ये जो है मिक्सचर आपका ज्यादा से ज्यादा जाता है तो जैसे ही ये थ्रोटल वोल्व ओपन रहेगी मिक्सचर ऑफ फ्यूल जो है वो उतना ज्यादा जाएगा है ना तो ये समझ लीजिए अब यहां पे समझिए अब आप कह सकते हैं कि सर ये मिक्सचर ज्यादा जा रहा है ना मैं एयर फ्यूल को कैसे कंट्रोल कर रहा हूं भाई ऊपर से तो आप एयर को ही कंट्रोल कर रहे हो ना और यहां से फ्यूल को कंट्रोल कर रहे हो तो एयर और फ्यूल जब कंट्रोल कर रहे हो उस हिसाब से आपका मिक्सचर जा रहा है तो मिक्सचर जो जा रहा है वो आपकी डिमांड के हिसाब से ही जाएगा बच्चों आपकी जरूरत के हिसाब से जाएगा यहां पर नहीं थ्रोटल से नहीं जा रहा वो जरूरत के हिसाब से थ्रॉटल से तो जितना चाहिए उतना जा रहा है थ्रोटल से तो जितना चाहिए उतना जा रहा है समझना बात को बहुत मजेदार कंसेप्ट है बच्चों को ढंग से समझ के चलोगे टेस्ट सीरीज बच्चों ऐप में बिल्कुल आ जाएगी समझ लीजिए ना अभी अभी सारे वीडियो सेशन आज तक हमारे सारे वीडियो सेशन आ रहे हैं कल से टेस्ट सीरीज डालनी शुरू हो जाएगी जो प्रीवियस थी ना तो सब आ जाएगी थोड़ा सा तो एडजस्टमेंट करेंगे ना बेहतर चीजों के लिए हमने इस बोर्ड तक पहुंचने के लिए कितने चीजों का एडजस्टमेंट किया है ठीक है ना कि भाई ये नहीं करते इधर खर्च उधर नहीं करते खर्च चलो यहाँ ये खर्च करते हैं है ना समझ रहे ना तो कई सारी चीजें को एडजस्टमेंट करके आज यहां तक पहुंचे तो ऐसे ही नई ऐप में कई फंक्शन का एडजस्टमेंट हुआ कि चलो भाई ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं करके अब लेक्चर डले तो अब जाके तस्वीर डल रही है ठीक है ना तो इसीलिए बस ये समझ लीजिए आज का लेक्चर तो सिर्फ एक शुरुआत है बच्चों अभी तो हमें कुछ नहीं पता है इस बोर्ड को कैसे ज्यादा यूटिलाइज करना है इतना पता है कि भाई इमेज यहां से लो लिख ऐसे तो हम इस तरह का सेशन करा रहे हैं और जब जब चीजें समझ में आने लग जाएंगी तो हो सकता है भगवान की दया से कितना बेटर हम लोग यहाँ पे कंटेंट आपको दे पाए ठीक है तो मैं यहां पे दोबारा बता रहा हूं बच्चों क्या बोला मैंने कि यहां पे जो थ्रोटल वॉल्व है उसका काम क्या है कि एयर फ्यूल मिक्सचर कितना जा रहा है बच्चों एयर फ्यूल मिक्सचर की क्वांटिटी कितनी भेजनी है तो अगर लोड ज्यादा है तो एयर फ्यूल मिक्सचर ज्यादा जाएगा लोड कम है तो कम जाएगा अब बात है यहां पर ठीक है ना बात है यहां पर बात है यहां पे कि जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो कैसे तैयार हुआ तो आप देख सकते हो बच्चों यहां से एयर कंट्रोल की गई है ना और यहां से फ्यूल कंट्रोल किया गया यहां से क्या हुआ फ्यूल कंट्रोल किया गया तो फ्यूल और एयर जो कंट्रोल हुई है वो हमारी जरूरत के हिसाब से जो कि आप पढ़ते हैं आगे एयर फ्यूल मिक्सचर में कि भैया लीन चाहिए रिच मिक्सचर चाहिए अब देखो ना रिच मिक्सचर का सीधा सा फंडा बच्चों रिच मिक्सचर की जब बात आती है तो चोक वॉल्व को अगर आप बंद करते हैं चोक वॉल्व को मतलब यहां से खींचते हैं और वॉल्व बंद होती है तो एयर का फ्लो जो है वो रुक जाता है और जैसे ही एयर का फ्लो रुकता है सिर्फ हमारी मतलब रुकता मीन कम हो जाता है पूरी तरह नहीं रुकता तो कम हो जाता है तो जैसे ही कम होता है हमारा फ्यूल फ्यूल एंटर करता है बच्चों और जब फ्यूल फ्युल एंटर करता है फ्यूल <Database> <yapt TVs> एंटर करता है तो वो मिक्सचर ऑटोमेटिकली रिच होता है रिच मिक्सचर यही है जिसमें फ्यूल ज्यादा तो ऐसा नहीं है कि रिच मिक्सचर मतलब फ्यूल बढ़ाना है रिच मिक्सचर मतलब एयर को कंट्रोल करना है तो ऑटोमेटिकली फ्यूल ज्यादा हो जाता है क्लियर है समझ आ रही बात तो यही है बच्चों सीधा सा फंडा समझ आ रही है बात तो यही है यह बच्चों सीधा सा फंडा इसीलिए एयर फ्यूल जो है वो मिक्सचर यहां से फिर जो हमारी कंट्रोल की जाती है हमारे व्हीकल्स के द्वारा उससे हम लोग जो है वो हमारा फ्यूल जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से वो इंजन में एंटर करता है अभी है हमारे इनलेट मैनफोल्ड इंजन के इनलेट वॉल्व से अंदर एंटर कर जाएगा समझ में आ रही है बच्चों बात ठीक है ना इनलेट एंटर कर जाएगा हमारे यहाँ पे तो इसी चीज को बच्चों हम लोग काबोरेटर का बेसिक प्रिंसिपल कहते हैं आई थिंक जो सबके समझ में आया होगा जल्दी से यस बता दो मुझे अगर आपके प्रिंसिपल समझ में आ गया है फिर मैं दूसरी तरफ चलूँ बच्चों जल्दी से मुझे यस बता दो अगर आपके प्रिंसिपल समझ में आ गया जल्दी बताओ जल्दी बताएं बच्चों अगर आपके प्रिंसिपल समझ में आ गया है तो जल्दी बताएं मैं आपको आगे करूं साउंड कम कहा है बच्चे मेरे हिसाब से ठीक ठाक साउंड आ रहा है कम आ रहा है चलो कोई बात नहीं थोड़ा इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे हम लोग हो सकता है कल की कुछ सेटिंग की वजह से कम हो गया हो यहां से भी फुल ही है वैसे तो ठीक है ना वेरी गुड वेरी गुड ना बच्चों अब असली कार्बोरेटर हमारा कैसे होता है बच्चों ठीक है कोई बात नहीं बच्चों आज थोड़ा सा सुन लो कल साउंड थोड़ा, थोड़ा और बढ़ा देंगे क्योंकि क्या है ना अगर हम ज्यादा टेस्टिंग टूस्टिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो फिर लेक्चर छूट रहे हैं हमारे तो इसलिए लेक्चर चलते रहेंगे साथ साथ सुधार भी आता रहेगा ठीक है देखिए असली काबूरेटर की जब हम बात करते हैं बच्चों तो इस तरह का काबूरेटर होता है हमारा है ना सबने देखा भी होगा इस तरह का काबूरेटर होता है हमारा है ना तो इस तरह के काबूरेटर को जब हम बात करते हैं तो देखो यहां पे भी सब आपको दिखाई दे रहा है ये बच्चों सबको पता है दैट इज द चोक है ना ये सबको पता है दैट इज योर चोक चौक ठीक है यहां से हमारा एयर जो है अंदर एंटर कर रहा है एयर फिल्टर के साथ तो एयर फिल्टर से फिल्टर्ड एयर अंदर एंटर करेगा ठीक है ना यहाँ से हमारा फ्यूल जो है एंटर करेगा ठीक है ना एक तरफ से हमारा जो है यहाँ से अब देखो ये फ्यूल एयर एयर एडजस्टमेंट बच्चों दिख रहे हैं ये थ्रोटल वॉल्व हमारी जो है वो कंट्रोल देखो यहाँ से हमारा फाइनली फ्यूल इधर जा रहा है ये आपका पाइप दिख रहा है जो इंजन में जा रहा है तो ये इंजन पाइप है बच्चों आउट हो रहा है यहाँ से ठीक है ना, ना तो ट्रांसपेरेंट कलर का पाइप होता है ना इस टाइप से तो ये एयर फ्यूल आउट है तो यहां आपका समझो थ्रोटल वॉल्व है जिससे वो फ्यूल कंट्रोल होकर यहां से जा रहा है तो आपने देखा भी होगा कई बार वो फ्यूल और एयर को कभी आप मैकेनिक के पास गए होंगे तो यहाँ पे आपको कुछ नट नटबुल टाइप का दिखाई दे रहा है ये इस टाइप का और ये स्प्रिंग लगा हुआ इस टाइप का तो आपने कई बार देखा होगा वो इसको कंट्रोल करता है पेचकश से आपका आप कहोगे ना कि यार मेरी गाड़ी बार बार बंद हो रही है तो वो क्या करेगा यहाँ से फ्यूल सप्लाई बढ़ा देगा यहां से वॉल्व को थोड़ी ओपन करके फ्यूल सप्लाई बढ़ा देगा कि ज्यादा तेल आएगा फिर आप कहोगे सर गाड़ी तो बंद नहीं हो रही है लेकिन अब कुछ ज्यादा ही चल रही है मतलब आप देखोगे कि गाड़ी बिना रेस दिए भी आपने हैंडल से हाथ भी टा रखा है तो भी एक्सलेटर हाई है क्यों क्योंकि फ्यूल सप्लाई बढ़ गई थ्रोटल वॉल्व उसने ओपन कर दी ज्यादा ठीक है ना तो ये जो चीजें चेंज होती है बच्चों यही हमारी ये बाहर के एडजस्टमेंट से होती है आपको अंदर कोई वॉल्व खोलने की जरूरत नहीं है है ना आप यहाँ पे स्प्रिंग लगाए ना वॉल्व में ये इस तरह की वॉल्व होती है ना जैसे समझ लीजिए आपके समझ लीजिए जैसे ये है ठीक है यहाँ पे आपकी एंट्री है यहाँ से एंट्री है और ये यहाँ पे इस तरह से लगी हुई है ये समझ लीजिए आपकी इस तरह से लगी हुई है यहाँ पे आपकी ये जो है वॉल्व, कुछ ऐसे है ठीक है इस तरह से तो यहाँ पे स्प्रिंग होगा प्रॉपर लगा हुआ ऐसे करके है ना अब बाहर जो है वो ऐसा नट होगा टाइप का तो आप जब यहाँ से कसेंगे इसे तो ये अंदर जाती जाएगी ठीक है ना मान लीजिए ये एंट्री पॉइंट है इसका तो अंदर जाती जाएगी तो बंद कर जाएगी जितना खोलोगे इसे वो लूज होती जाएगी तो इस तरह से ये वॉल्व हमारी एडजस्ट की जाती है बाहर के पेचकस से ही ठीक है स्क्रू ड्राइवर से ही ये काम जो है वो आराम से हो जाता है बच्चों तो इसीलिए गाड़ी वाले को आपके कार्बोरेटर में बस यही घुमाने की जरूरत है आपकी गाड़ी एकदम घर घर ऊपर हाई पकड़ लेगी एक्सीटर ठीक है ना बात बहुत आसानी से ये आप देख सकते हो किसी भी गाड़ी को ले सबको तो सब पता है ऐसे खींचोगे तो चोक सप्लाई को कम कर देगी एयर सप्लाई को कम कर देगी तो ऑटोमेटिकली जा रहा है हाँ मैकेनिक कहते इंजन को रेस दे दी बॉस तो बस वही है रेस दे दी मतलब आपका तो तेल निकल गया ना वो आपको तो खुश करके कि देखो बंद नहीं होगी आपकी गाड़ी लेकिन तेल ज्यादा गया आपका ठीक है एक और अच्छा कंसर्ट बच्चों आपको फिर कल हम डस्टर अच्छा ढूंढ रहा हूं तो से, तो मिटो है। <laughs> क्या करें? आदमी लिया है लेकिन दिमाग तो गरीब ही है चलो कल से हम कई बार कपड़ा उठा के मारने की कोशिश कर चुके हैं इसमें ध्यान दीजिए बच्चों एक सिंपल सा कंसर्ट आपसे पूछता हूं कि अगर मान लीजिए मैं हाई एल्टीट्यूड में चल रहा हूं ठीक है मान लेते हैं हम एक हाई एल्टीट्यूड में चल रहे हैं मान लीजिएगा एट हाई एल्टीट्यूड हाई एल्टीट्यूड तो मुझे बताओ बच्चों अगर गाड़ी आपकी हाई एल्टीट्यूड में चल रही है कभी पिताजी या किसी ने आपको बोला होगा हाई एल्टीट्यूड में तो बताओ मुझे हाई एल्टीट्यूड में किस तरह का मिक्सचर बच्चों जाएगा High altitude में आपका किस तरह का मिक्सचर जाएगा एयरफ्यूल मिक्सर किस तरह का जाएगा जल्दी बताओ बताएं बच्चों शिवम 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 ओम शीवम। क्या बोल रहे हैं एक क्लास इन वन लेक्चर हो जाएगा क्या सर मतलब समझा नहीं मैं बिल्कुल लेंगे सर जमाल सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि बढ़िया सा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का लेक्चर लें अच्छे विजुलाइजेशन के साथ प्रोडक्शन में तो बहुत जगह स्कोप है विजुलाइज कराने का रिच 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 बिल्कुल चलो रीजन भी बता दो जब रिच रिच एल्टीट्यूड में यह अच्छा भी समझना जरूरी है तो बच्चों आप सबको पता है कि हाई एल्टीट्यूड की जब हम बात करते हैं तो हाई एल्टीट्यूड में आपकी डेंसिटी ऑफ एयर डेंसिटी ऑफ एयर जो होती है वो कम होती है डेंसिटी ऑफ एयर जो होती है वो कम होती है बच्चों इज लेस है ना सबको पता है हाई एल्टीट्यूड में आपकी एयर की डेंसिटी जो है वो कम होती है मॉलिक्यूल्स कम होते हैं और जब एयर की डेंसिटी कम होगी और फ्यूल सप्लाई होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा है ना अगर हमारी एयर की डेंसिटी कम होगी एयर की डेंसिटी कम होगी और फ्यूल सप्लाई होगा हमारा ऑटोमेटिकली तो क्या होगा दैट इज कॉल्ड लीज टू रिच मिक्सचर ऑटोमेटिकली क्या मिलता है हमें रिच मिक्सचर मिलता है अब ये बताओ ये अच्छी बात है बुरी बात है बेकार बात है ना भाई हमारा तो जबरदस्ती एयर की कमी के वजह से फ्यूल ज्यादा खर्च हो रहा है देख लो एयर की कमी के वजह से फ्यूल ज्यादा खर्च हो रहा है हम नहीं कर रहे कम एयर की कमी के वजह से फ्यूल ज्यादा खर्च हो रहा है इसीलिए पिताजी पिताजी बोलते मेरे पिताजी तो बोलते मेरे तो हैं बहुत कि भैया पहाड़ों में क्योंकि हम तो पहाड़ों में चलाते रहते हैं गाड़ी तो पहाड़ों में जब गाड़ी चलाओ तो जो है आपका फ्यूल जो है वो ज्यादा खर्च होता है ठीक है ना तो जब उस एल्टीट्यूड पे आप जाएंगे तो फिर यहां पे ऑटोमेटिकली आपका फ्यूल जो है वो ज्यादा यही समझ लीजिए बच्चों कभी भी आपसे कोई पूछे ना कि भैया कार्बोरेटर क्यों ऑप्सलीट हो गया क्या हो गया ठीक है ना कार्बोरेटर जो है वो क्यों ऑप्सलीट हो गया तो आप यहां पे कह सकते हो बच्चों काबोरेटर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है ठीक है ना दिस इज दी ड्रॉबैक ऑफ काबोरेटर इसलिए ये बात इस तरह पता होनी चाहिए ड्रॉबैक ऑफ काबोरेटर काबोरेटर के सिंपल काबोरेटर ड्रॉबैक ऑफ सिंपल कार्बोरेटर याद रखिए जो हमने पढ़ा है ना वो एक सिंपल काबोरेटर इससे भी मॉडिफाइड कार्बोरेटर आते हैं ठीक है वो सबसे पहले वाला हमने पढ़ा है बेसिक प्रिंसिपल समझने के लिए तो सिंपल कार्बोरेटर का बच्चों सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है दैट दैट इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ सिंपल कार्बोरेटर दैट कि वो हाई एल्टीट्यूड में रिच मिक्सचर जो है वो शो करता है याद रखिएगा दैट इज द बेसिक ड्रॉबैक ऑफ सिंपल कार्बोरेटर तो कभी भी कोई ड्रॉबैक आपसे पूछे कमियां क्या है सिंपल कार्बोरेटर में तो आप सबसे पहले कमियां बता सकते हैं सर चौक वॉल्व ओपन कर दो तो तो ओपन कर दो तो आपने तो और एयर फ्यूल कम कर दिया ना ओपन कर दोगे तो इसको तो और कम कर दोगे आप आप तो चाह रहे हो कि ओपन अच्छा ओपन करना ओपन कैसे करोगे ओपन तो वो पूरी ओपन में ही तो एयर इतनी कम आ रही है फूक मार सकते हो आप कि मैं एक्स्ट्रा कुछ पंप लगा के एयर और सप्लाई दे दू तब हो सकता है समझ रहे ना तो पर ऐसा कैसे होगा समझ आ रही है बात चौक वॉल्व ओपन है बच्चों पूरी ओपन है तभी एयर डेंसिटी कम आ रही है समझ रहे ना समझ आ गई बच्चों बात क्लियर है तो बताइए अगर आपको यह कंसर्ट समझ में आया हो तो कल मैं थोड़ी सी कार्बोरेटर की आपको कैलकुलेशन भी समझा सकता हूं जैसे कि कार्बोरेटर जो हमने अभी बनाया था उसमें विलोसिटी एट द थ्रोट क्या होता है विलोसिटी एट द थ्रोट क्या होता है ये बच्चों आप निकाल सकते हैं ठीक है ना बिल्कुल सेम कैलकुलेशन है नोजल वाली चलो मैं बता देता हूं लगे हाथ फिर कल इसके आगे हम लोग एयर फ्यूल के साथ इसका कंसर्ट पढ़ेंगे देखो बहुत सिंपल सी चीज बताता हूं बच्चों कि मान लीजिए आपने अभी पढ़ा था आपने अभी जो पढ़ा था उसी को बनाते हैं आपने पढ़ा था इस तरह से है ना ये हमारा था और यहाँ पे हमारा जो है वो एटमोस्फेरिक था बच्चों है ना यहां पे हमारा जो है वो एटमोस्फेरिक प्रेशर था ठीक है मान लीजिए यहाँ पे एटमोस्फेरिक प्रेशर था और यहाँ पे जो है हमारा लो प्रेशर था समथिंग लो प्रेशर ठीक है तो यहां से जब हमारा आ रहा है तो अगर मैं इसको वन पॉइंट कह देता हूं बच्चों इसको टू पॉइंट कह देता हूं तो आपसे अगर यहां पे पूछे कि सेकंड पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है तो याद रखिए बच्चों यहां पे हमेशा ध्यान रखिए कि आप लगाएंगे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अब देखो बाकी सब काम यहां हो नहीं रहा सिर्फ फ्लो हो रहा है ना तो फ्लो हो रहा है तो अगर मैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाता हूं तो एच वन प्लस सी वन स्क्वायर बाई टू प्लस जी जेड वन प्लस ठीक है ना प्लस क्यू इजिकल्स टू एच टू प्लस सी टू स्क्वायर बाय टू प्लस जी जेड टू प्लस डब्लू है बच्चो ठीक है ना जी जेड टू प्लस डब्ल्यू अब यहां पर अगर आप देखो बच्चो तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग नेग्लेक्ट करके चलते हैं यार रखिये इसके एज्पन भी हैं कभी कोई पूछे कि अगर आपने कार्बोरेटर का एनालिसिस किया है कार्बोरेटर एनालिटिक्स अगर आप काबूरेटर का एनालिटिक्स कर रहे हो और कोई आपसे पूछे कि बताइए काबोरेटर एनालिटिक्स में एजमशन ये कहां पूछे जाते हैं बच्चों ऐसे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आपको अच्छे इंटरव्यू एनपीसीएल बार की इस जगह पे अच्छे क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं कि अगर आप कार्बोरेटर का एनालिटिक्स कर रहे हैं ठीक है ना अभी मोहित कुमार जी इस बारे में बात करेंगे कार्बोरेटर का अगर आप एनालिटिक्स कर रहे हैं तो आपसे पूछा जाएगा तो वट आर द बेसिक एजम्शंस बेसिक एजम्पन्स आपके क्या लिए जाते हैं बच्चों कार्बोरेटर एनालिसिस के लिए बेसिक एजम्पन आप क्या लेके चलते हैं तो याद रखिएगा बच्चों बेसिक एजम्सन में यही सब आते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का इफेक्ट नहीं लेना है मतलब हाइट का इफेक्ट नहीं लेना है ठीक है ना नेग्लेक्टिंग नेग्लेक्टिंग इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आप इस पोटेंशियल एनर्जी के इफेक्ट को नेग्लेक्ट करके चलते हो दूसरा एजम्पन कोई पूछे तो याद रखेगा हम यहां, यहां पे फ्लो फ्लो ऑफ एयर इज टेकन टेकन एज एज याद रखिये असल में तो नहीं है ना हम ये जो ले रहे हैं सारे इफेक्ट ये सिर्फ हम एनालिसिस करने के लेते हैं कैलकुलेशन करने के लिए लेते हैं ठीक है ये एजम्पन जो ले रहे हैं सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए जाते हैं लेकिन ये छोटी छोटी चीजें किताबों में ढूंढते रह जाओगे मिलती नहीं है ठीक है ना समझ आ गई बात क्लियर है क्लियर है ठीक है बच्चों अभी हैंड राइटिंग और अच्छी हो जाएगी यार पहले मैं चौक बोर्ड से बहुत अच्छा लिखता था फिर मार्कर में आया वहां थोड़ी सी राइटिंग सुधारी अब ये नया आ गया तो अब इस पे हिसाब से भी सही हो जाएगी थोड़ा सा समय दे बस क्लियर है ठीक है तो मैं क्या बोल रहा हूं आपको यहां पे याद रखिएगा बच्चों पोटेंशियल एनर्जी को आप नेगलेक्ट करते चलते हो एयर को जो है एयर के फ्लो को आप याद रखिए यहां पे आइडियल गैस मान के चलते हो एयर इज टेकन एज आइडियल गैस ताकि आप आइडियल गैस रिलेशन लगा सको आइडियल गैस ताकि आप आइडियल गैस रिलेशन लगा सको और फ्लो को आप स्टडी फ्लो मान के चलते हो फ्लो इज टेकन एज स्टडी फ्लो इज टेकन एज स्टडी फ्लो ये सब एज्शन है बच्चों ठीक है ना तो मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई यहां पे कि एजम्पन अगर कोई पूछता है कि ये जो भी हम एनालिसिस कर रहे हैं कार्बोरेटर का वो किस एजन के अंडर कर रहे हैं तो ये सारे एजम्शन आते हैं तो ऐसे ही इसी एजन को लगाते बच्चों हम लोग यहाँ पे इसको काट देते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का चेंज जो है वो हमने नहीं लेना है ठीक है हीट का कोई फ्लो नहीं ले रहे हम लोग यहाँ पे सिर्फ फ्लो हो रहा है तो हम यहाँ पे कोई शाफ्ट वर्क है नहीं हमारा कोई टर्बाइन वर्क है नहीं कोई मैकेनिकल वर्क है नहीं तो इसको भी हटा दिया तो बचेगा क्या ऑटोमेटिकली आपके पास एच प्लस C1 स्क्वायर बाय 2 इजिकल टू एच टू प्लस C2 स्क्वायर बाय 2 क्लियर है ठीक है अब उसमें भी बच्चों हम क्या करते हैं उसमें भी हम लोग क्या करते हैं उसमें भी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे हम यहां पे C1 मानते हैं कि भाई C2 जो है वो बहुत 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 ज्यादा है C1 से क्योंकि वहां पे तो एटमोस्फेरिक कंडीशन में एयर आ रही थी अंदर लेकिन यहां पे जो है वो वेलोसिटी एकदम बढ़ गई थी तो क्रॉस सेक्शन छोटा होने की वजह से तो जिसके वजह से बच्चों हम सी सी वन को जो है वो निगलेक्ट कर देते हैं ठीक है नेग्लेक्ट कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली देखो कैसा एक्सप्रेशन हो गया सेम वही नोजल की तरह है ना ठीक है थैंक यू थैंक यू संदीप ठीक है ना हमारा एक्सप्रेशन सेम वही हो गया बच्चों उसके तरह नोजल की तरह कि सी टू विलोसिटी जो है वो कितनी हो जाएगी अंडर रूट टू एच वन माइनस एच टू बट रहा था तो इसलिए वहां पे जो थाउजेंड था, था वो लिया गया था यहां ऐसा कुछ नहीं है यहाँ एंथेल्पी वन एनथेल्पी टू है बस ठीक है अब देखो यहां हमें एनथेलपी तो मेजर करते नहीं हम लोग यहां पे। तो हम क्या करेंगे इसको टेम्परेचर में चेंज कर देंगे अब बच्चों आपको पता है डी एच इजल टू क्या होता है सीबीडीटी है ना एनथेलपी का चेंज जो है वो इक्वल टू तो क्या होता है सीबीडी टी तो इसको मैं हटा देता हूं यहां से ठीक है यहां पे हम देखें तो वी नो दैट एंथेल्पी तो मेरे धागे से भी लिख रहा है यार एंथेल्पी चेंज अगर आप जानते हैं तो दैट इज डी एच इजिकल टू क्या होता है सीपी डी टी ठीक है सीपी डी टी सी किसका आएगा एयर का आएगा बच्चों यहाँ पे ठीक है तो यहां पे याद रखिए आप सिंपल सी टू की जगह पे क्या लिखोगे बच्चों सी टू इक्वल टू अंडर उ T1 वन माइनस टी ये और C2 को अगर आप और लिखोगे तो यहां से T1 वन कॉमन ले लेते हो अंडर रूट टू सी पी टी वन कॉमन वन माइनस टी टू बाई टी वन ठीक है ये हो जाता है नाउ अब आप चाहो तो बच्चों हमने क्या बोला था फ्लो को आइस ट्रॉपिक माना है अब चाहो तो आप आइस ट्रॉपिक का फॉर्मुला लगा के टी टू बाई टी वन को भी चेंज कर सकते हो ठीक है ना आप चाहो तो आइसेंट्रॉपिक का फॉर्मुला लगा के टी टू बाई टी वन को भी बदल सकते T2 by T1 हो टी टू बाई टी वन इजिकल टू क्या होता है बच्चों आप सबको पता है आइसेंट्रॉपिक फ्लो के लिए किसी भी आइसेंट्रॉपिक फ्लो के लिए रिवर्सिबल एंटीबायोटिक का रिलेशन लग सकता है टी टू बाई टी वन इजिकल टू पी टू बाई पी वन क्योंकि हमें प्रेशर पता है ना कहां पे कितना है गामा माइनस वन अपन गामा लगा सकते हो लगा सकते हो रिलेशन तो इसलिए बच्चों हम एग्जिट वेलोसिटी जनरली कैसे लिखते हैं यहाँ पे याद रखिएगा ये, ये वेलोसिटी कौन सी एट थ्रोट वेलोसिटी एट थ्रोट बोलेंगे बच्चों है ना वेंचुरी के थ्रोट में है है ना जो वेलोसिटी वो है। एट थ्रोट. तो विल बिकम सी पी टू वन वन बाय पी वन की होल पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा ये एक्सप्रेशन आता बच्चों तो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये एक्सप्रेशन कहां से आया तो मैंने आपको सिंपल बता दिया बहुत ज़्यादा आप कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है इतना भी अभी तक पूछा नहीं है पेपर में ठीक है ना अभी डेरिवेशन और भी लंबा चलता है बच्चों आपको जब तक आप मास ऑफ एयर फ्यूल नहीं निकाल लेते लेकिन वहां हम स्टार्ट करेंगे कल से अगर आपके यहां तक समझ में आया है तो भर भर के इस वीडियो में आपको प्यार देना है बच्चों ठीक है ना क्योंकि समझ लीजिए आपके प्यार और आपके जो भी अभी तक आपने अपना स्नेह चैनल को दिया है उसके वजह से ही आज चैनल इस लेवल पे पहुंचा नहीं तो रैली बताऊं रैली हमने तो इतना भी इमेजिन नहीं किया था कि चलो यार कभी बोर्ड भी लाएंगे कैसा करेंगे या इस लेवल पे क्लास को ले जाएंगे हमें हमेशा था और अभी भी वाइट बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं है बच्चों वाइट बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं है जो नए टीचर या कोई नए लोग या कोई इस चीज़ को लेके परेशान है या मुझसे कोई सलाह भी लेता है कभी कि यार एक स्टूडियो खोलने के लिए क्या क्या करना है तो मैं उसको एक ही सलाह देता हूँ कि द थिंग रिक्वायर्ड इज़ ओनली कंटेंट कंटेंट ही मेन चीज़ होती है ये सब उसकी सहायक है बस ठीक है ना आप सिर्फ मोबाइल को पे रख के भी क्लासेस ले सकते हैं बिना किसी समस्या के ये सिर्फ आपको हेल्प कर रही है आज की डेट में तो बस आप दो पैसे कमा रहे हैं तो अपनी हेल्प कर पा रहे हैं नहीं तो कोई जरूरत नहीं है आप सिंपल जिसको लेना है वो इसमें भी ले सकते हैं न्यू ऐप का नेम बच्चों मेक इट इजी लाइव क्लासेस है कल से मैं वो ऐप आप आपको आप दिखा भी दूंगा यहाँ पे ठीक है ना कल से मैं वो ऐप आप आपको आप दिखा भी दूंगा अभी तो मुझे खुद देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कैसे दिखती है ऐप वगैरह लेकिन कल से हम लोग देख भी लेंगे वो ऐप कहाँ है सिंपल आप सीधा एंड्रॉयड वर्जन में जाके ऐप को देख सकते हैं बच्चों ठीक है ये ऑलरेडी एंड्रॉयड वर्जन ही है ठीक है तो अभी तो मैं आपको दिखा दूंगा कैसे किस में ऐप कहाँ दिखती है आपको ठीक है ना तो आप जो है सिंपल ऐप जो है वो देख भी सकते हैं ठीक है तो चलिए बच्चों मिलते हैं हम आगे आपसे थैंक यू